राजस्थान में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी गर्मी चरम पर रही। प्रदेश के ज्यादातर इलाके तप गए। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में आगामी 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और होने की संभावना जताई है। 8 मई को जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंचा, तो वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 9 मई को राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की संभावना है। इस दौरान जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में भी हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने 10 मई को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में हीट वेव जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं 10 और 11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का भी पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आंधी और बारिश की गतिविधियां 11 और 13 मई को भी कुछ भागों में जारी रह सकती हैं। इस दौरान कहीं कहीं तेज आंधी यानी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। वहीं तापमान की बात करें तो तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। आंधी बारिश के प्रभाव से 11 मई से राजस्थान में हीट वेव से राहत मिलने के प्रबल आसार बने हुए हैं।